माघ मास आरंभ हो चुका है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या होती है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहते हैं। तो इस बार सन 2022 की मौनी अमावस्या 31 जनवरी सोमवार रात्रि 2:18 से प्रारंभ होगी, जो कि 1 फरवरी दिन मंगलवार प्रातः 11:15 तक रहेगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विधान है। इसके उपरांत व्रत किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन व्रत धारण करते हैं। मौन व्रत के दौरान लोग प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, ध्यान लगाते हैं। ऐसा करके भक्त अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु स्नान के बाद पितरों को तर्पण, श्रद्धा, पिंडदान आदि कर्म करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पितृ दोष से ग्रसित है तो उन्हें अमावस्या के दिन ये सब उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले सुबह उठते हैं, लगभग 2:30 या 3 के आसपास उठते हैं। उसके बाद बिना बोले, बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बिना बोले अपने कपड़े वगैरह उठाकर, अगर आप इस तीर्थ स्थान पे गए हैं तो वहाँ स्नान कीजिए, नहीं तो आप घर के बाहर स्नान करना तीर्थ माना जाता है। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, जाने में असमर्थ हैं, तो आप घर के बाहर जो नल लगा हो वहाँ पर स्नान करते हैं तो वो तीर्थ माना जाता है। तो बिना बोले हुए नहाना चाहिए और इस दिन साबुन वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे ही खाली पानी से नहाया जाता है, साबुन बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। उसके बाद आकर पूजा करना चाहिए। पूजा करने के बाद आप किसी साधु को, किसी ब्राह्मण को या किसी कन्या को नहाने के बाद पैर छूकर उसे दक्षिणा देना चाहिए या किसी फल का दान करना चाहिए या अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आप दान कर सकते हैं वो दान कर सकते हैं, दान किया जाता है। इससे बहुत ही अच्छा फल मिलता है। तो इस मौनी अमावस्या आप भी नहाइए और बहुत सारा पुण्य कमाइए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय माता दी।